हेलो एवरीवन, हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओपन चैनल फ्लो का एक क्वेश्चन है, हम लोगों से क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो पूछा है एक ओपन चैनल में। तो देखो, पहले क्वेश्चन के हम लोग डेटा पे बात करते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन का डेटा। हम लोगों के लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, गेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, जरा क्वेश्चन बोल रहा है द 4 मीटर विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल। मतलब हम लोग यहाँ पे अगर सॉल्यूशन में बात करेंगे आपसे तो क्या बोला उन्होंने, विड्थ की बात करी है। विड्थ कितना दे रखा है हम लोगों को, इट इज 4 मीटर। कैरीज अ 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर, ठीक है। तो 6 मीटर क्यूब डिस्चार्ज की बात करिए आपसे, तो डिस्चार्ज कितना हो गया आपका 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। डिस्चार्ज दे रखा है ऑफ वाटर, द मीनिंग्स एन स्मॉल एन फॉर एन ओपन चैनल फ्लो, स्मॉल एन इज इक्वल टू 0.02 दे रखा है। और आगे बात करिए जी की, बात करिए स्मॉल जी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज दे रखी है हम लोगों को, बी दे रखा है, विड्थ ऑफ चैनल दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है, मैनिंग कोएफिशिएंट दे रखा है और जी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों को साथ में क्या बोल रखा है। ये उन्होंने बोला है कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं यहाँ, क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। तो फ्राउज नंबर 1 पे हम लोग ये क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एफ आर इज इक्वल टू हम लोगों ने बोला वी सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ जी इंटू वाई सी की बात कर रहे होंगे, और जो कि किसके बराबर हो रहा होगा, बोला 1 के बराबर हो रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली यहां से आपको पता है कि वाई सी की वैल्यू अगर बोलोगे आप, तो वाई सी की वैल्यू क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाय जी होल रेस टू द पावर 1/3 के बराबर होगी वाई सी की वैल्यू। और यहाँ पे क्यू स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी, बोला ये इट इज क्यू बाय बी, ठीक है। ये है स्मॉल क्यू की वैल्यू, दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की बात करिए आपसे। तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। स्मॉल क्यू क्या होता है, तो स्मॉल क्यू होता है हमारा डिस्चार्ज, जो भी वैल्यू दे रखी है इट इज 6 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से जब निकालोगे तो इट इज 1.5 आ रहा होगा, हाँ 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर बात हो रही होगी, है ना, विड्थ की बात करी। तो ये जो वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा, स्मॉल क्यू इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आपका ये आ जाएगा स्मॉल क्यू का वैल्यू, ठीक है। अगर एक बार आपका स्मॉल क्यू आ गया है तो आप वाई सी का वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। तो वाई सी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो इट इज 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, जी इज 9.81 होल रेस टू द पावर 1/3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वाई सी का जो वैल्यू मिल रहा होगा आपको, इट इज 0.612। यहाँ से वाई सी का वैल्यू, क्रिटिकल डेप्थ का वैल्यू जो मिल रहा होगा, इट इज 0.612 मीटर्स, है ना, 0.612 मीटर्स में आपके पास वैल्यू आ गया होगा वाई सी का। अब जब वाई सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा वी सी, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो देखते हैं हम लोग, तो हमने बोला कि वी सी निकालना है आपको, वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी इंटू वाई सी बोल दिया। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी, जी बोले तो 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.612। तो यहाँ से आप अगर वी सी की वैल्यू निकाल रहे होगे आपका, तो वी सी का जो वैल्यू आ रहा होगा आप लोगों के पास फाइनल, इट इज 2.45, जो आंसर आ रहा होगा इट इज 2.45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा क्रिटिकल वैल्यू निकालना कितना आसान था हम लोगों के पास, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालना ओपन चैनल फ्लो के लिए। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा इट इज 2.45 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है।